नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज। आज बात करने वाले हैं अपर्णा यादव को लेकर। जी हां, अपर्णा यादव अब भारतीय जनता पार्टी से नाराज चल रही हैं। लगातार कहीं ना कहीं अब ये बात कहती हुई नजर आ रही हैं कि उनको महिला आयोग का उपाध्यक्ष का जो पद है वो नहीं चाहिए। उन्होंने सिरे से नकार दिया है उस पद को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं उनको मनाने की कोशिश कर रही है। वहीं अखिलेश यादव हों, शिवपाल यादव हों, वो चाहते हैं अपर्णा यादव घर वापसी करती हुई नजर आए। अब वो क्या वाकई में घर वापसी करेंगी, क्योंकि इसके पहले देखा जाए तो अपर्णा यादव ने तमाम तरीके की बातें करते हुए नजर आई, जिसमें वो बोल रही थी कि वो अपने परिवार में वापसी नहीं करेंगी, वो भारतीय जनता पार्टी में रहकर खुश हैं। इस तरीके के बयान कहीं ना कहीं उनके आते हुए नजर आए। लेकिन क्या अपने राजनीतिक भविष्य को लेकर चिंतित हैं अपर्णा यादव? यही कारण है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक गलियारों में अब उनके नाम की जो चर्चा है वो तेज हो गई है। और भारतीय जनता पार्टी ने 2022 में इतने साल हो गए शामिल होने के बाद भी कोई जिम्मेदारी नहीं दी, जिसके बाद कहीं ना कहीं अपर्णा यादव के कर्मनिष्ठा पर सवाल उठता हुआ नजर आता है और कर्मठता पर सवाल उठता हुआ नजर आता है। यही कारण है कि अपर्णा यादव की नाराजगी भी जाहिर मानी जा सकती है। लेकिन माना यह जा रहा है कि अखिलेश यादव की तरफ से अगर कोई बेहतर और बेस्ट ऑप्शन दिया जाएगा तो हो सकता है कि अपर्णा यादव फिर से अब भारतीय जनता पार्टी का रुख छोड़कर सपा पार्टी में एंट्री करते हुए नजर आए। लेकिन अगर ऐसा कुछ देखने को मिलता है तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आएंगी। हालांकि अगर देखा जाए तो अपर्णा यादव का पार्टी में कोई ऐसा महत्वपूर्ण योगदान नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी को झटका लगे, लेकिन हाँ, जिस तरीके से समीकरण बनते हुए नजर आ रहे हैं, अखिलेश यादव उसका पूरा फायदा उठाने की कोशिश करेंगे। और एक तरीके से ये भी है कि अपर्णा यादव यादव परिवार की बहू होकर जो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हैं, और वहीं यादव परिवार का हर एक सदस्य कहीं ना कहीं ऊंचे पद पर अभी भी बरकरार है, तो ऐसे में अपर्णा यादव का सपा में जाना कहीं ना कहीं यादव परिवार के लिए नाक की बात हो सकती है। लेकिन वहीं अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी भी चाहे तो अपर्णा यादव का कहीं ना कहीं सही इस्तेमाल कर सकती है राजनीतिक तौर पर। जी हाँ, करहल सीट है, बिजनौर सीट है, मिल्कीपुर सीट है, इन सीटों पर अगर भारतीय जनता पार्टी अपर्णा यादव को उतारती है तो जाहिर तौर पर अखिलेश यादव को बड़ा झटका लगता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अपर्णा यादव यादव परिवार की बहू हैं। ऐसे में जो भी अपोनेंट होगा वो कहीं ना कहीं अगर अपर्णा यादव के खिलाफ उतरता है तो सपा का भी जनाधार भारतीय जनता पार्टी के साथ आता हुआ नजर आ सकता है। फिलहाल देखना दिलचस्प होगा कि बार अपर्णा यादव की ये नाराजगी कहां तक जाती है। क्या अपर्णा यादव को भारतीय जनता पार्टी मना लेगी, या फिर इतने सालों से जो अटकलें लगाई जा रही थी कि अपर्णा यादव सपा में शामिल हो सकती हैं, क्या वाकई में शामिल होती हुई नजर आएंगी? आपको क्या कुछ लगता है आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट नाइन न्यूज पर।